हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं इस समय देवरिया शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर रजला गांव में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, यहां पे जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है माँ देवी रजला जी का मंदिर दरबार। और ये दोस्तों, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास कुछ यहाँ के लोग हैं उन्हीं से सुनने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस मंदिर को आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है जय माँ रजला काली माँ का दरबार। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नल है जो कि पानी पीने के लिए। यहाँ का जो दोस्तों वातावरण को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में इतिहास जानते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये देवरिया जिले से मात्र आपको 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यहाँ नज़दीक अगर मंदिर के बारे में बात करें तो माँ अमेठी मंदिर है। और यहीं पे ठीक दोस्तों, आपको पास में ही आपको पावर प्लांट जो बैठ रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर बैठने का व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए, एक शुद्ध पानी पीने की सुविधा है जो कि नल है यहाँ पे। और वहाँ पे भी है टोटी की व्यवस्था। और यहाँ का वातावरण को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए यहाँ दिखाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको धूप अगरबत्ती जलाने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये जो भी लोग चढ़ाते हैं उनको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मूर्ति वगैरह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है दान पेटी, वहाँ पर है शायद, वहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए दोस्तों। प्रभु तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे 2-3 मेला भी लगता है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। तो पहले दर्शन कर लीजिए आप लोग। जय प्रभु, जय माता जी। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ आसपास का सीन देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पानी पीने के लिए सुविधा, यहाँ पे टोटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ आसपास का सीन दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये नीचे टैस है जो कि यहाँ पे लोग आते हैं, विश्राम वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ आसपास का सीन दिखा दीजिए आप लोग। दोस्तों, ये काफ़ी शांत माहौल में मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब चलिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के निवासी लोग हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो हमारे पास भैया बैठे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। जो मंदिर है रजला मंदिर, माता जी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले भैया, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे दर्शक बंधुओं को भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो आप पहले ये बताइए इस मंदिर का इतिहास के बारे में, जो कि हम भी सुनते आ रहे हैं और यहाँ का 2-4 मैं वीडियो भी देखा हूँ। और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस मंदिर का इतिहास क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे आए हैं। जी, और इस मंदिर के इतिहास की अगर बात करें तो ये जो काली जी हैं, जी, ये लंगड़ी देवरिया की रहने वाली किसी समय में थी। जी, जो कभी जानवर चराने के लिए यहाँ पे आया करती थी। जी, यहाँ पे मतलब जंगल था पूरा। हाँ, ये पूरा एरिया जंगल था। जी, और यहाँ पे वो जानवर चराने के लिए आती थी। जी, और उसी जंगल में उनको शेर मार डालता है। जी, और वो मर जाती हैं। जी, बाद में वो काली जी के रूप में पूजी जाती हैं। जी, जो मंदिर आप देख रहे हैं। जी, और पहले यहाँ पे बिल्कुल समतल जगह था और एक छोटा सा पिंड था। जी, पिंड से यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे। जी, लेकिन बाद में धीरे धीरे डेवलप होते होते ये बना है। जी, तो लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं। जी, शहर से लोग यहाँ पे आते हैं। शहर से तो काफ़ी नज़दीक है, 2 किलोमीटर से। शहर से नज़दीक है और काफ़ी यहाँ लोकल एरिया में काफ़ी फेमस भी है ये जगह, और शांत जगह है। जी, अभी आप कुछ देर पहले अगर आए होते तो यहाँ पे कथा वार्ता वगैरह हो रहा था, धूप कड़ाई चल रहा था, तो देखे होते। और यहाँ पास में आपका सोलर पावर प्लांट भी बन रहा है। और यहीं पास में सोलर प्लांट बन रहा है। जी,
आप ये साइड में जी हमारा नेक्स्ट वीडियो आप शायद देख ही लिए होंगे। और इसके यहाँ जो मेला वाला लगता है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि का मेला जी, और रामनवमी का मेला जी, और सावन के महीने में जो नागपंचमी का मेला लगता है जी। ये तीन मेले लगते हैं यहाँ पे जी, ये तीन मेले लगते हैं यहाँ पे जी, और तमाम लोग आते हैं, यानी खूब भीड़ होता है यहाँ पे। हाँ यहाँ भीड़ तो होता ही है मेले में, जिस तरह से नहीं जैसे दो साल थोड़ा कोरोना की वजह से शायद मेला वगैरह हाँ, नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय तो इसमें बहुत बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, सरकारें नहीं मेला लगवाने देती थी। हाँ हाँ सरकार तो दो साल तो ऐसे ही चला गया है। हाँ, हाँ, लेकिन अब लोग आ रहे हैं उतनी। अच्छा ये जो पीछे अभी मैं बातचीत किया हूँ तो बता रहे हैं स्टोर रूम वगैरह बन रहा है जो भी। हाँ ये पीछे जो बन रहा है ये स्टोर रूम है, यहाँ पे सामान वामान रखा जाएगा, मान लीजिए मंदिर से संबंधित या और भी यहाँ पे कार्यक्रम जो होता है उससे संबंधित सामान रखा जाएगा। तो दोस्त इतिहास पता चल गया होगा और ये काफ़ी चमत्कारी मंदिर माना जा रहा है इस क्षेत्र का। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद में सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं।